जैन मित्रों, साइंस के कक्षा को आगे बढ़ाते हुए मैं अपना एक नया वीडियो अपने यूट्यूब चैनल लेट्स इजी टू लर्न पे डालने जा रहा हूँ। आप सबों से निवेदन होगा कि आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें, लिंक को अधिक से अधिक शेयर करें और कमेंट बॉक्स में कमेंट भी अवश्य करें। आज हमारा साइंस का अभ्यास कक्षा 9 का जो पहला अभ्यास का पाठ के दौरान जो अभ्यास दिया गया है उसका ये वीडियो मैं डाल रहा हूँ। पहला अभ्यास का हेडिंग है हमारे आसपास के पदार्थ और इस अभ्यास का ये हमारा लास्ट वीडियो है, तो आप लोग ध्यान से देखिएगा, इसको समझिएगा, याद करने की कोशिश कीजिएगा। इसमें बहुत सारे प्रश्न आपको ऐसे भी मिलेंगे जिसका कि हल हम पहले भी आप लोगों को करवा चुके हैं, तो बस इसको देख के समझना है और नोट्स भी आप लोग तैयार कर लीजिएगा। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। इसमें पहला प्रश्न है अभ्यास में, स्क्रीन पर आप लोगों को दिख रहा होगा, निम्नलिखित तापमान को सेल्सियस इकाई में परिवर्तित करें। निम्नलिखित तापमान को सेल्सियस इकाई में परिवर्तित करें। इसके बारे में पहले भी हम आपको बता चुके हैं कि सेल्सियस में बदलने के लिए केल्विन में से 273 को घटाना है और केल्विन को केल्विन में बदलने के लिए सेल्सियस ताप में 273 जोड़ना है। तो बस आप इसको इतना याद रखिएगा, आप जोड़ और घटाव कर लीजिएगा और आसानी से बना लीजिएगा, ठीक है। इस पर हम ज़्यादा कुछ आपको नहीं बताएंगे। आगे है, निम्नलिखित तापमान को केल्विन इकाई में परिवर्तित करें। बस आपको याद रखना है कि केल्विन में बदलने के लिए सेल्सियस में 273 जोड़ना है और सेल्सियस ताप में बदलने के लिए केल्विन में से 273 को माइनस करना है। फिर से मैं एक बार वही चीज़ को रिपीट कर रहा हूँ, इसलिए आप बस इतना को याद रखिए, ठीक है। मैथ्स में भी इस ये वाला प्रश्न आता है, डिग्री सेल्सियस में बदले, केल्विन में बदले, आपको दे देगा। तो इसको याद रखते हैं तो मैथ्स का भी इक्वेशन आपका लगभग हल हो जाएगा। आगे है प्रश्न 3। प्रश्न 3 में है, निम्नलिखित अवलोकनों हेतु कारण लिखिए। ये जो अवलोकन जो आप इसको महसूस करते हैं, ये जो होता है, ये घटनाएं क्यों होता है, इस पर आपको बताना है, इसका कारण बताना है। जैसे नेफ्थलीन को रखा रहने पर, नेफ्थलीन को जब आप कहीं रख देते हैं, नेफ्थलीन के रखे रहने पर यह समय के साथ कुछ भी ठोस पदार्थ नहीं छोड़े बिना अदृश्य हो जाती है। यानी नेफ्थलीन को जब आप नेफ्थलीन की गोली, जिसको कि फिनाइल की गोटी आप लोग कहते हैं, उसको जब आप कहीं रखते हैं तो कुछ समय बाद जो है वो बिना कुछ अवशेष छोड़े अदृश्य हो जाता है, आपको नहीं दिखता है, लगता है कि वहाँ कुछ था ही नहीं। ऐसा क्यों होता है? तो देखिए, क्योंकि नेफ्थलीन एक ऊर्ध्वपातनशील पदार्थ है जिसका समय के साथ आसानी से ऊर्ध्वपातन हो जाता है, ठीक है। अब ऊर्ध्वपातन क्या है? जब कोई पदार्थ किसी ताप पर बिना द्रव में बदले डायरेक्ट गैस में बदल जाए या गैस से बिना द्रव में बदले ठोस में बदल जाए, इसको ऊर्ध्वपातन कहेंगे, ठीक है। तो यहाँ पर नेफ्थलीन की गोली का एक ऊर्ध्वपातनशील पदार्थ है, ठीक है। इसमें बस आपको यही याद रखना है कि नेफ्थलीन की गोली जो है वो ऊर्ध्वपातनशील पदार्थ है जो समय के साथ आसानी से ऊर्ध्वपातित हो जाती है, ठीक है। मेन पॉइंट है ऊर्ध्वपातनशील पदार्थ। अगला है, हमें इत्र की गंध बहुत दूर बैठे हुए पहुंच जाती है। इत्र की गंध हो, या इसी में प्रश्न था, एक भोजन का सुगंध है,
भोजन का सुगंध भी काफी दूर तक पहुंचता है। तो ये दोनों स्थिति में लगभग एक ही तरह का बात होता है, लेकिन यहाँ पर इत्र में क्या होता है उसको देख लेते हैं, फिर हम आपको अच्छी तरह से समझा देंगे। इत्र में वाष्पीकरण की दर बहुत अधिक होती है। जैसे देखिए, भोजन जब आप बनाते हैं तो वाष्पीकरण की दर को बढ़ाने, कण के बीच के गतिज ऊर्जा को बढ़ाने के लिए क्या करते हैं, ऊष्मा बढ़ाते हैं। यहाँ इसका वाष्पीकरण दर ही काफी कम, यानी कि बहुत कम ऊष्मा पर जो है ये काफी, इसके कण काफी दूर तक फैल जाता है। तो बहुत कम ऊष्मा पर इसका इसका कण जो है काफी दूर तक गति करेगा और यह वायु में आसानी से विसरित हो जाता है। अतः इसकी गंध बहुत दूर रहने पर भी हमारे पास पहुंच जाती है। समझ में आ गया? बस इसमें इम्पोर्टेंट चीज़ है कि इत्र के वाष्पीकरण की दर काफ़ी कम होती है, जिसके कारण यह वायु में आसानी से विसरित हो जाती है और इसकी खुशबू दूर बैठे रहने पर भी हम तक पहुंच जाती है। ठीक है, चलिए। आगे है, चार प्रश्न चार है। निम्नलिखित पदार्थों को उनके कणों के बीच बढ़ते हुए आकर्षण के अनुसार व्यवस्थित करें। उनके कणों के बीच, प्रत्येक पदार्थ कणों से मिलकर बना हुआ है, कणों के बीच अंतरानुक बल होता है, अंतरानुक आकर्षण बल होता है जिसके कारण वो जुड़ा होता है, और अंतरानुक स्थान होता है। तो यहाँ पर कह रहा है आपको, अंतरानुक आकर्षण के आधार पर, यानी अंतरानुक आकर्षण बल के आधार पर इसको बढ़ते हुए क्रम में, तो देखिए कणों के बीच बढ़ते हुए आकर्षण के अनुसार ऑक्सीजन सबसे पहले आ जाएगा, उसके कणों के बीच की दूरी काफ़ी कम होती है, उससे सबसे अधिक जल हो जाएगा, जल से भी अधिक क्या हो जाएगा, चीनी, ठोस रूप में इसका कण काफ़ी क्या होगा, नज़दीक होगा। ठीक है, चलिए आगे है प्रश्न 5। निम्नलिखित तापमानों पर जल की भौतिक अवस्था क्या होगी? ठीक है, जल की ये तापमान दिया हुआ है, आप इसमें जानते हैं कि 0 डिग्री ताप पर जल जो है वो ठोस रूप में आ जाएगा, 100 डिग्री सेल्सियस ताप पे ये वाष्प रूप में चला जाएगा, और 25 डिग्री ताप पे ये द्रव रूप में रहेगा। इसमें कुछ बताने की आवश्यकता नहीं है, बस 2 याद रखिएगा तो 25 पर आप आराम से अनुमान लगाकर भी इसको एक्सप्लेन याद कर सकते हैं। ठीक है, आगे है प्रश्न 6। पुष्टि हेतु कारण दें, यानी ये क्यों होता है। जल कमरे के ताप पर द्रव में है, द्रव है, जल जो है वो कमरे के ताप पर द्रव है। ठीक है, इसका कारण है, जल कमरे के ताप पर द्रव है क्योंकि इसमें बहने का गुण होता है। जल जो है, द्रव जो है, इसमें बहने का गुण होता है, इसलिए यह द्रव रूप में है। यह जिस बर्तन में डाला जाता है वह उसी का आकार ग्रहण कर लेता है। इसका आकार अनिश्चित है, आयतन क्या है, निश्चित है, इसीलिए तो बर्तन के आकार का ले लेता है। ठीक है, आगे देखिए, लोहे की अलमारी कमरे के ताप पर ठोस है। लोहे का अलमारी जो है वो कमरे के ताप पर ठोस है, ऐसा क्यों? लोहे की अलमारी कमरे के ताप पर ठोस है क्योंकि इसकी इसमें दृढ़ता का गुण है, काफ़ी ये ठोस है, दृढ़ता मतलब ठोस। ठीक है, तथा इसका आकार और आयतन दोनों क्या है, निश्चित है, इसीलिए यह कमरे के ताप पर क्या है, ठोस के रूप में है। अब देखिए आगे आपका प्रश्न है, 273 के पर बर्फ को ठंडा करने पर तथा जल को इसी तापमान पर ठंडा करने पर शीतलता का प्रभाव अधिक क्यों होता है। तो देखिए, तो बर्फ 273 डिग्री, 200 बर्फ उसी तापमान पर जल की अपेक्षा अधिक शीतलता का प्रभाव देती है। ठीक है, जब बर्फ जो है उसी तापमान पर जल की अपेक्षा अधिक शीतलता का प्रभाव देती है, उसी ताप पर जल की अपेक्षा, यानी क्या होगा, तो बर्फ जो है काफ़ी और अधिक ठंडा हो जाएगा, और जल तो ठंडा होगा लेकिन बर्फ जो है जल की अपेक्षा अधिक ठंडा होगा। ठीक है, क्या प्रभाव देगा? ठीक, उबलते हुए जल
अथवा भाप में से जलने की तीव्रता किसमें अधिक महसूस होगी? उबलते हुए जल अथवा भाप में जलने की तीव्रता किसमें अधिक होगी? यानी कि आप यदि उसमें हाथ डालते हैं तो किसमें सबसे अधिक आप जलिएगा? ठीक है, तो भाप में उबलते जल की अपेक्षा जलने की तीव्रता काफी है, यानी कि वाष्प में आप हाथ डालते हैं तो काफी तेजी से जलते हैं। ठीक है, तो इसमें जलने की तीव्रता काफी अधिक है होगी। ठीक है, चलिए आगे, ये हमारा लास्ट क्वेश्चन है अभ्यास का। ठीक है, इसको ध्यान से देखिएगा। कह रहा है, निम्नलिखित चित्र के लिए ए बी सी डी ई तथा एफ की अवस्था परिवर्तन को नामांकित कीजिए, यानी कि अवस्था में क्या परिवर्तन। नहीं, ए बी सी ए दिया हुआ है, यहाँ आप देख रहे होंगे, मैं आपको, आप यहाँ पर देख रहे होंगे, ए है, यहाँ पर बी है, यहाँ सी है, फिर डी है, ई है और एफ है। ठीक है, आप इसको देख रहे हैं, तो ये ए बी सी जो ये दिया हुआ है, ए यहाँ, बी यहाँ, जो आपका सी है, फिर डी है, फिर ई है और यहाँ एफ है, ये इस स्थान पर क्या क्या हो सकता है? ठीक है, तो अभी हम दिखाते हैं इसके, तो देखिए इसके बारे में यहाँ पर दिया गया है। ठोस से द्रव में बदलेगा तो द्रवण हो जाएगा, द्रव से गैस में बदलेगा तो बी में वाष्पन हो जाएगा, गैस से फिर वो क्या बदलेगा, द्रव में बदलेगा तो क्या हो जाएगा, संघनन हो जाएगा। ठीक है, और द्रव से फिर ठोस में बदलेगा तो क्या हो जाएगा, जमना या हिमन हो जाएगा, और ठोस से गैस से सीधा ठोस में यदि बदलेगा तो इसको उर्ध्वपातन कहेंगे, और ठोस से सीधा गैस में बदलेगा, ऊष्मा की वृद्धि तथा दाब में कमी होने के कारण, तो इसको भी उर्ध्वपातन ही कहेंगे। तो इसको आप लोग ध्यान में रखिएगा, ये सब ए में हो जाएगा द्रवण, बी में हो जाएगा वाष्पन, सी में हो जाएगा संघनन, डी में हो जाएगा आपका जमना या हिमनीकरण, और ई में उर्ध्वपातन, और एफ में उर्ध्वपातन। तो हमारा पहला अभ्यास यहीं समाप्त हुआ, और फिर एक नया वीडियो मैं अगले अभ्यास के लिए बनाऊंगा, सबसे पहले उसमें भी महत्वपूर्ण तथ्य को देख लेंगे, उसके बीच बाद अभ्यास के बीच में जो प्रश्न है उसको सॉल्व करेंगे, फिर अभ्यास के आखिरी में जो अब दिया हुआ है प्रश्न उत्तर उसको सॉल्व करेंगे। तो आप लोग हमारे YouTube चैनल पर बने रहें और हमारे वीडियो को देखें, इसका नोट्स विद साइंस के नोट्स को तैयार कर लें और याद करने की कोशिश करें, देखकर आप नोट्स भी बनाइएगा तो आपको काफ़ी कुछ याद होगा। तो हमारा आज का यह क्लास यहीं पर समाप्त होता है, और अंत में एक बार मैं फिर आपसे आग्रह करूँगा कि आप हमारे YouTube चैनल लेट्स इजी टू लर्न को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें, लिंक को भी शेयर करें और कमेंट बॉक्स में कमेंट भी अवश्य करें। तो मिलते हैं एक नए वीडियो के साथ, आज के लिए इतना ही, फिर मिलेंगे दूसरे अभ्यास में। जय हिंद, जय भारत।